क्या हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होपली सब लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सांगरी ला फ्रंटियर के एपिसोड नंबर 1 के बारे में। जी हाँ, ये बिल्कुल नई सीरीज है और इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एपिसोड में भी ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे आ जाएं, क्योंकि थोड़ा सा यार ज्यादा बिजी शेड्यूल है तो उसकी वजह से रिकॉर्ड करने में थोड़ा कम टाइम मिलना है, इसलिए एपिसोड कम आ रहे हैं डेली बेसिस पे। लेकिन जो भी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका कभी ना कभी एंड जरूर करेंगे, इस चीज के लिए निश्चिंत रहना, इसलिए चैनल पे हमारे बने रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब बढ़ेंगे सीधे इसके पहले एपिसोड में। एपिसोड के स्टार्ट में देखने को मिलता है बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन जो कि एकदम से तबाह हो रहा होता है, हार रहा होता है। एक लड़की जो पीछे होती है खड़ी होती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि डार्क लॉर्ड जो होता है वो डिफीट हो चुका होता है। उसके सामने एक हीरो होता है जो कि कच्चे में खड़ा होता है और उसके मुंह पे होता है मास्क। उसका नाम होता है सन राकू और वो हरा चुका होता है। लेकिन सन राकू होता है वो खुश तो बहुत होता है, एंटरटेनिंग भी होता है, हवा में उड़ता है और सीधे उस लड़की के ऊपर पैर मारता है और सीधे मार के उसे क्रश कर देता है और कह रहा होता है तुझे जाना होगा पहले स्ट्रेट टू हेल, क्योंकि इस जो गेम की जो विलन है वो कोई और वो तू है, तू रियल डार्क लॉर्ड है। और उधर देखने को मिलता है ये गेम खेल रहा होता है, ये काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है फैल क्रॉनिकल को मैंने फाइनली हरा लिया और मैंने अपना रिवेंज ले लिया, जिन भी चीजों में उसने मेरे को पुश किया था, मेरी हालत खराब कर दी थी, फाइनली मैंने उसे हरा दिया। और ये होता है ट्रैश गेम और ये ट्रैश गेम को ये क्लियर कर चुका होता है। इसके पास ट्रैश गेम का एक पूरा का पूरा कलेक्शन होता है और कह रहा होता है जिसको मैं दोबारा नहीं खेलूंगा। और ये वो ट्रैश गेम्स होते हैं जिनको वो एक बार खेलता है, क्लियर कर देता है और कंप्लीट के बाद रिलैक्स फील कर रहा होता है। इसका नाम होता है रकुरो हिजुटोम। ये एक फ्रीक होता है, ये हाई स्कूल सेकंड ईयर का स्टूडेंट होता है और ये गेमिंग में मास्टर होता है और ये ट्रैश गेम खेलता है। फाइनली ये रिलैक्स होता है और ये ट्रैश गेम हंटर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है, वो थोड़ी बहुत खाने की चीजें उठाता है, स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाता है देखने मिलता है थोड़ी बहुत नींद आ रही होती है, एक जो लड़की होती है इसको देख के नर्वस होती है, वो इसको पसंद करती है, वो उसको बताना चाहती है गेम के बारे में, इससे बात करना चाहती है। जैसे ही वो लड़का इसके पास आता है उसको आवाज देती है, उतने में दूसरा जो दोस्त होता है वो आ जाता है, वो उससे बात करने लगता है, वो आगे मूव कर जाता है। गेमिंग पार्लर होता है जहाँ पे एक लड़की होती है, वो यहाँ की मैनेजर होती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है हमारे बिजनेस अब दोबारा से डेवलप करने वाला है। वही जो लड़की होती है रियेश साइका, हाई स्कूल सेकंड ईयर के स्टूडेंट, वो सेम क्लास में होती है हमारे हीरो के और वो बात करने लगती है गेमिंग पार्लर वाली आंटी से। वो आंटी जो होती है वो जानती है कि ये पसंद करती है उस लड़के को और कह रही होती है कि वो आज यहाँ नहीं आया है, वो काफी ज्यादा बिजी है क्योंकि वो एक ट्रैश गेम खेल रहा है। और ये लड़की जो होती है वो शर्माती रहती है और वो उस गेम के बारे में बताने लगती है। उतने में देखने को मिलता है दरवाजे पे एक दस्तक होती है और वो दस्तक उसी लड़के की होती है, जिसको देख के वो जो लड़की होती है वो छुप जाती है और वो बताता है कि उसने उस ट्रैश गेम को क्लियर कर दिया और वो अप्रिशिएट करता है और कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा गार्बेज था, काफी ज्यादा घटिया था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने उसको हरा दिया और जो यहाँ की बेकार बॉस थी उसको भी मैंने हरा दिया और मैंने उससे पूरी तरह से अपने बदला ले लिया है जितनी भी उसने मेरे को परेशानियों में डाला था। ऐसी सब कन्वर्सेशन चल रही होती है और वो काफी ज्यादा खुश होता है, उसको काफी ज्यादा मजा आ चुका होता है और वो सजेशन लेने आया होता है अब कौन सा ट्रैश गेम वो खेले। हालांकि जो ये मैनेजर होती है वो कहती है कि अब मैं तेरे को एक ऐसा गेम सजेस्ट करती हूँ जो कि ट्रैश नहीं है, काफी ज्यादा अच्छा है। और वो एक नए गेम के बारे में बताने लगती है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होता है, VR गेम होता है। 30 मिलियन से ज्यादा प्लेयर्स है इसके सर्वर पे और इसका नाम होता है सांगरी ला फ्रंटियर। और ये एक फन गेम होता है जो कि मास अपील के लिए डिजाइन होता है और काफी ज्यादा अप्रिशिएबल भी होता है। और लड़की होती है सुख के सारी चीजें देख रही होती है, ये देखता है और कहता है ये अपोजिट है ट्रैश गेम से, गॉड लेवल का गेम है और वो कंफ्यूज होता है कि खेले कि नहीं खेले। उसके बाद उस गेम के बारे में पढ़ने लगता है, वो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रजिस्टर्ड होता है। उसका कॉन्सेप्ट जो होता है काफी ज्यादा अमेजिंग होता है और ये अब देखता है और सारी चीजें पढ़ता है और फाइनली इसको स्टार्ट करने वाला होता है। जो स्टार्टिंग होती है काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, एक नया पोर्ट दिखाई देता है जो कि VR सिस्टम में होता है, कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। इसको लगता है कि ये गेम जो है सही से स्टार्ट नहीं हुआ है, मटेरियल स्टार्टिंग होती है तो ये नई जगह पर जाता है। वहाँ इसको मिलते हैं नए नए ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें, जिसको देख के शॉक में होता है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है क्योंकि जो ट्रैश गेम्स होते हैं उनमें ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये अपने कैरेक्टर डिजाइन को भी ले सकता है, एक्सेसरीज को भी ले सकता है, कैरेक्टर बना सकता है और इसको देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और फाइनली वो एक चिड़िया जैसा कैरेक्टर बनता है और अपनी सारी चीजों का इस्तेमाल करता है और फाइनली वो बर्ड मास के साथ रहता है और उसको अपना कैरेक्टर मिल चुका होता है और वो तैयार होता है गेम खेलने के लिए। गेम के अंदर वो एंटर होता है और देखने को मिलता है वो पहुंच जाता है गेम के अंदर। चारों तरफ जो होता है जंगल ही जंगल होता है और वो जो उतरा होता है उसके हाथ जो होते हैं उसको फील हो रहे होते हैं सारी चीजें, जंप कर सकता है, तैयार रहता है, ग्रैब कर सकता है, भाग सकता है, चढ़ सकता है और अभी तक स्पेशली उससे कोई बग नहीं मिला होता है, ये काफी ज्यादा खुश होता है। ये रैंडम पॉइंट पहुंच चुका होता है, इसका नाम होता है इस गेम
के अंदर सन राखू। और ये जो मैप होता है काफी ज्यादा बेसिक होता है, मैप चेक करता है, सारी चीजें चेक करता है और नीचे जंप करता है और बॉडी जो होती है काफी अच्छे से तैयार होती है, आगे मूव करता हुआ जा रहा होता है। उतने में एक गोब्लिन जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है, उसको डॉज करता है और दो चाकू रहते हैं उसके हाथ में और एक ही अटैक में उस गोब्लिन को वो खत्म कर देता है और मार देता है। उसका जो एक्स होता है वो उसे मिल जाता है और थोड़ा सा आगे जा ही रहा होता है, ड्रॉप आइटम जो होता है वो उठाता है। उतने में ये खरगोश जो होता है वो बाहर आता है और उसके पास होती है धारदार तलवार और सीधे अटैक करता है इसके गले पे और वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इवन मार के पेड़ को भी गिरा देता है। और अगेन देखने को मिलता है खरगोश जो होता है इसके ऊपर अटैक करता है, ये किसी तरह से डॉज करता है और बचने की कोशिश करता है, अपने आप को डिफेंड करता है और वो जो खरगोश होता है फाइनली हार जाता है और ये लेवल 4 का हो जाता है। हालांकि ड्रॉप आइटम जो होता है उसको कोई नहीं मिलता है और कुछ इसे मिलता नहीं है। अभी आगे जाने वाला होता है, एक्सप्लोर करने वाला होता है इस पूरी जगह को। इसकी बॉडी जो होती है काफी अच्छा फील कर रही होती है। आगे देखने को मिलता है और को भी हराता है, खत्म करता है और ड्रॉप आइटम्स मिलते हैं, मीट वीट मिलते होते हैं। खरगोश जो होते हैं उसको बहुत सारे अटैक करता है, उसको भी मारता है। फाइनली बहुत सारे खरगोशों को हराने के बाद वो इसके पास जो होती है चाकू आ जाते हैं और फाइनली इसके पास कुछ वेपन्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं और वो आगे मूव कर सकता है। आगे मूव करने की तैयारी में रहता है और अपना रीजन सिलेक्ट कर देता है मूव करने का। सामने देखने को मिलता है एक सांप जैसा जो कि ड्रैगन का अवतार में रहता है, उसके कुछ बाल होते हैं और ये इस लेवल का बॉस होने वाला होता है और ये आगे मूव कर रहा होता है, उसके तरफ बढ़ रहा होता है। इसके साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो यार एपिसोड जो था काफी ज्यादा अमेजिंग था और देखने में काफी ज्यादा मजा आया और एंटरटेनिंग भी काफी ज्यादा था। इस वीडियो में इतना रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।